शुक्रिया। मैं अभिभूत हूं, मैं कायल हूं इन मोहब्बतों का। मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं, वीर प्रसूता भूमि इस बाड़मेर को प्रणाम करता हूं, थार की इस धरती को प्रणाम करता हूं, और कविता के लिए आपकी इस अनमोल मोहब्बत को प्रणाम करता हूं। ये मोहब्बत जो आपने दी है, यकीन मानिए, एक शेर मुझे याद आता है कि जब तक बिका न था कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। ये जो मोहब्बत है आपकी है, बहुत बहुत शुक्रिया। दो तीन छोटे छोटे निवेदन हैं। ये क्यों लाइव चला रहे हो यार फेसबुक पे कलेक्टर साहब? ये जितने लाइव प्रोग्राम चल रहे ना फेसबुक यूट्यूब पे, इस कार्यक्रम को उसको बंद करवा दीजिए। इसलिए क्योंकि कविता क्या नुकसान की चीज़ है ये, वो जो घर में बैठ के देख सकता है, तो इनकी क्या गलती है जो यहाँ तक उठ के आए? वाह, सुन लो अभी मेरी जान, सुन लो, बंद कर दो अभी ये कैमरे वैमरे, बस सब बंद कर दो। देखो भाई मेरे, ये जो पीछे जितने कैमरे वाले हैं, अगर मेरे को आप, क्योंकि लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अगर आप फेसबुक या यूट्यूब पे लाइव चला जाएंगे तो आपको ही नोटिस आएगा। और जो आप खड़े हैं वो पीछे वालों के लिए बहुत तकलीफ दे है, तो आपसे निवेदन है कि ट्राईपॉड अगर हटा के बैठ जाए और आप सुन लें मुझे, तो वो ज़्यादा मज़ा आएगा, वो ज़्यादा अच्छा। ये अरे इतना कहने के बाद भी लगा के बैठा हुआ है, नहीं ये तो आप बच्ची है कोई छोटी सी। बेटा बंद कर दे मोबाइल, बंद कर दे, हाँ आप भी बंद कर दीजिए। देखिए मैं मोबाइल किस लिए बंद करवा रहा हूँ, आप मेरी इस पीड़ा को समझना। मेरे बहुत आदरणीय जिन्होंने मुझे बचपन से, दो लोगों ने मुझे यहाँ देखा है, सत्तन जी ने मंच से और ललित जी पवार ने उससे पहले से, मेरे बड़े भाई हैं। व्यंग की जो समझ मेरे पिता ने मुझे जेनेटिकली दी, बायोलॉजिकली दी, खून में दी, और व्यंग के प्रति रुझान जिस व्यक्ति ने पैदा किया, वो सामने बैठे हैं। वो बचपन में एक दीवाना करके एक कॉमिक आती थी, उन्होंने बहुत मुझे दी, दीवाना तेज़, वो मैंने पढ़ी। मेरा उनका एक बहुत अलग प्रेम का, स्नेह का, सम्मान का नाता है। तो दो लोग बैठे हैं, आप मेरी पीड़ा को समझना। इतना कहने के बाद भी कैमरा शुरू रखा है, बंद कर दो ना यार इसको, बंद कर दो इसको, हटा दो। अच्छा आप कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा कि मेरा है। संजय स्टेज पे ले, घर ले जाए इसको। हाँ अभी ले आता हूँ। नहीं ये हटा दो, इसको घुमा दो कैमरे को, ये जो भी जिसका भी है। हाँ इसको बिल्कुल इधर मुंह कर दो उसका, खत्म। अब किधर भी कर दो, तुम अपनी तरफ कर बस, हाँ मेरी तरफ मत रख। और ट्राईपॉड हटा दे यार, ये पीछे बैठे इनके बीच में, ये क्या लगता है, ऐसा अड़खंजा लगता है, इसको हटा के रखो यार। और क्या, हटा दो इसको, ये ट्राईपॉड हटा दो मेरे भाई साहब, ये हटा के इसको साइड में कर दो, स्पीकर के ऊपर रख दो, कहीं रख दो। अरे यार इतने पहाड़ थोड़ी है, हटा दो इसको। हाँ ये सब कवि सम्मेलन की और कला की विरोध की चीजें हैं। ये जितना सोशल मीडिया है, आप यकीन मानिए, मैं मोबाइल क्यों बंद करवा रहा हूँ, मैं फिर अपनी बात शुरू करूंगा। इतने हजार लोग, सबसे पहले तो मैं आश्चर्यचकित हूँ कि इतने 25-50 हजार लोगों की भीड़ एक साथ अब तक अंत तक बैठी हुई है, एक आदमी नहीं हिला। इससे बड़ी हिंदी कविता की ताकत क्या हो सकती है साहब? वाह, ये अभी भी भाई मेरे मान ही नहीं रहा है, ये हिंदुस्तानी आदमी है। किसी का मत लेना, इनका क्यों लेना जब मैं बोल रहा हूं, बंद कर दो ना यार, गलत है ये, बंद कर दो मेरे दोस्त, बंद कर दो, हाथ जोड़ता हूं आपके, बस बस बस। आप समझो मैं मोबाइल का क्यों विरोधी, आप जो बैठ के मोबाइल पर रिकॉर्ड करते हैं, आप मेरी पीड़ा को समझना। हम लोग इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो हम बचाते नहीं, हम रिकॉर्ड करने लगते हैं। क्या बात, वाह, जहां हमें बचाना चाहिए। और क्यों आप मोबाइल चला के बैठ, क्या कर लेंगे आप मुझे रिकॉर्ड करके? इस मोबाइल ने आपका क्या नहीं छीना मुझे बताइए, क्या रखा है आपके पास? आप समय इस पे देखते हैं, इसने घड़ी छीन ली, आप तारीख इस पे देखते हैं, इसने कैलेंडर छीन लिया, आप हिसाब इस पे करते हैं, कैलकुलेटर छीन लिया, आप लिखते इस पे हैं, नोट्स छीन लिए, इसने आपके बच्चे रिश्ते छीन लिए। मुझे देखने का एक क्षण बचा है, वो तो बचा लीजिए, मैं सामने खड़ा हूं, इसे भी नहीं देखना चाहते आप। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, इसे बचा लीजिए।
इसे देखिए मस्ती से, बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन शुरू से हुआ और इतना अच्छा मौसम, आज मौसम ने भी आपका साथ दिया है, इतनी बढ़िया हवा चल रही है बाड़मेर में, इतना शानदार। मैं कहाँ से शुरू करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। विवेक, दिनेश जी, शबीना जी, जॉनी मेरे छोटे भाई हैं, और अशोक, संजय, सत्यन जी मेरे आदरणीय हैं, तमाम लोगों ने बहुत खूबसूरती से पढ़ा। और हाँ, ये चलता रहेगा बीच में, क्योंकि जो कोई आगे आ रहा होगा, एक तो इसकी थोड़ी लाइट ये भी कम करा सकते हो, मैं थोड़ी जितनी देर बीच में हूँ, हाँ बस ये करा दो, हाँ बस, बहुत बढ़िया, अब ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ अच्छा, आपको दिखाई, तो मेरे को देखना क्या यार, मैं कोई राखी सावंत हूँ क्या, क्या देखना है मुझे, सुन लो मुझे तो सुन लो, देखना क्या है, देखते तो रोज टीवी पे हो ही, आज सामने आ गए तो सुन लो। मैं सबसे पहले तो इस धरती को प्रणाम इसलिए करना चाहता हूँ, मेरी जिंदगी में जिस धरती का दो मायनों में मैं सबसे बड़ा एहसानमंद हूँ वो बाड़मेर की धरती है, दो मायनों में, और दोनों मायने मेरी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण मायनों में से एक हैं। संजय तुम्हें भी पता नहीं होगा ये, सत्यन जी मैं इसलिए बाड़मेर की धरती का एहसानमंद हूँ, इन दो धरतियों ने मुझे वो दिया जिससे मेरा जीवन बना। पहला, जिंदगी की जो पहली क्लास होती है, अगर अक्षर ज्ञान मैंने नहीं किया होता तो मैं आज कवि बन के आपके सामने खड़ा नहीं होता। वो जो अ आ इ ई उ क का की जो सीखना होता है, जब पहली बार आदमी हाथ में स्लेट में लेता है और जो उस लिखता है बैठ के चौक से, या पहली बार टाट पट्टी बैठ के लिखता है, पहली बार स्कूल का मुंह देखता है, वो मैंने बाड़मेर जिले में बालोतरा में किया। मैं पहली, दूसरी, तीसरी क्लास यहाँ पढ़ा। क्या बात, ये तो पहली बार बताया जी। और दूसरी बात भी तुम पहली बार सुनोगे, जो मैं जिसके लिए बहुत ज्यादा एहसानमंद हूँ। पहली चीज जिसने मुझे अक्षर ज्ञान दिया वो बाड़मेर जिले की धरती, दूसरी चीज मुझे जिसने जीवन में सबसे, मुझे जीवन पैदा मेरी माँ ने किया, लेकिन जिसने मुझे जीवन दिया, जिसने हर मायने में कदम कदम पे मेरे जीवन को पुष्ट किया, मुझे आगे बढ़ाया, मेरी पत्नी डॉक्टर स्वाति लोढ़ा, अपनी जिंदगी के पहली क्लास से 12वीं क्लास तक इसी बाड़मेर में पढ़ी है, इसी धरती पर पढ़ी है, तो ये धरती मेरे लिए तो वाह वाह, मैं बहुत एहसानमंद हूँ इस धरती का। वो यहाँ पढ़ी, और यहाँ पढ़ी तो इतनी अकल आई कि मेरे जैसा आदमी चाहिए। ये तो मैं मजाक की बात कर रहा हूँ, वो निश्चित मायनों में मेरी गुरु हैं, मैं जिंदगी में उनका बहुत सम्मान करता हूँ, इसलिए सम्मान करता हूँ कि मैं उनकी प्रतिभा और उनकी बुद्धिमत्ता के मुकाबले 1% भी नहीं हूँ। और वो डॉक्टर स्वाति लोढ़ा इस बाड़मेर के जालीपा कैंट स्कूल में पढ़ती थी, उनके पिताजी यहाँ पर डॉक्टर हुआ करते थे, और यहीं वो इसी शहर में रही, सालों तक रही, तो ये धरती का मैं बहुत बहुत एहसानमंद हूँ, इसलिए बहुत बहुत आपको आभार कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, मैं आज यहाँ पे उपस्थित हूँ आपके बीच में। अब आप बस मस्ती में आ जाइए। सुनिए एडीएम साहब कहाँ हैं आप, बैठे हुए हो ना आप, हाँ बस वो ज़रूरी है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, इन बेचारों को पेमेंट हुआ नहीं अभी तक, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जो व्यक्ति इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है वह है कि नहीं, वरना कभी समय खत्म होते मोबाइल ऑफ, बेचारे घूम ही रहे, परेशानी हो जाती। खैर साहब, संजय ने मेरी प्रशंसा में बहुत कुछ ऐसा कह दिया, मैं शायद उसके योग्य नहीं हूं। देखिए, तारीफ किसे अच्छी नहीं लगती, ललित भाई साहब आत्मा ऐश्वर्य चाहती है, श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, मुझे भी अच्छी लगती है, मैं ऐसा तो हूं नहीं कि ना अच्छी लगे, मैं कोई स्थिति प्रज्ञ हूं नहीं, साधु नहीं हूं, संत नहीं हूं, तारीफ सबको अच्छी लगती है, भारत गौरव पुरस्कार मिलता है अच्छा लगता है, लाखों लोग दीवाने अच्छा लगता है, इतना प्यार मिलता है अच्छा लगता है, लेकिन जो सही में गौरव की जो दो बातें हैं, जो मैं दिल से कह रहा हूं और मैं पूरी दुनिया में घूम के कहता हूं, मेरे लिए गौरव की जो सही में दो बातें, पहली बात, मैं मारवाड़ की धरती पे पैदा हुआ, मेरे लिए सबसे बड़े गौरव की बात ये है। क्या बात, वाह वाह। और दूसरी बात, ईश्वर ने मुझे कविता की समझ दे के भेजा, मैं स्वयं को कभी कहता ही नहीं, कविता की समझ, ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे तमाम लोग, मुझमें इतना ज्ञान नहीं है, कविता की समझ जरूर है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, इतना समझ में आता है, वो मेरे लिए बड़े गौरव की बात है। तब पंडित गोपाल दास नीरज कहते हैं कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। क्या बात, तो हम उस सौभाग्य को लेके यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये बातचीत शुरू करते हैं, मैं कहाँ से बात शुरू करूँ समझ में नहीं आ रहा है, पान वान खाए जा रहे हैं मंच पे, ये पहला मंच देखा जिसमें चाय 2 घंटे में आई, पान शुरू से पड़ा, ये कॉम्बिनेशन मेरे को समझ में नहीं आया, चाय के लिए तो तड़प गया मैं, पचौरी साहब कहाँ गए, निकल लिए, पैसे उनके पास तो नहीं है तुम्हारे,
तो फिर ठीक है, इनकी शक्लें देख के जैसे ही पचोरी साहब निकल ले उदास हो गए थे। दिनेश जी, भाई विवेक क्या बढ़िया कविता तुमने पढ़ी। कविता पढ़ी बहुत अच्छी, लेकिन ज्यादा इतनी याद रखी, ये कमाल की बात है साहब। वाह, इतनी अद्भुत कविता, इतनी लंबी कविता, अगली बार थोड़ा सा एडिट करना, ये बहुत जरूरी है। तो क्या है, मैं आपको कवि सम्मेलन की बात बताऊं। आज तो आप हैं कवि सम्मेलन मुख्य अतिथि, 90 साल के थे, कवि ने इतनी लंबी सुनाई कि फिर वो थे। उन्हें वहीं से ले जाना पड़ा, कवि को गिरफ्तार किया गया। जज ने पूछा क्या किया इसने, बोले साहब इतनी लंबी सुनाई कि मुख्य अतिथि खेत रहे, निकल लिए। जज साहब ने कहा इस कवि को फांसी पे चढ़ाओ, अपनी अंतिम इच्छा बताओ। बोले जज साहब वही कविता आपको सुनाना चाहता हूं। बड़ा क्या जोश, बहुत अच्छा है। शादी हुई तेरी? अरे फिर भी इतना जोश। तू कमाल है यार, तेरे को तो सही में पुरस्कार मिलना चाहिए। वरना जिनकी शादी नहीं हुई है वो समझ लो बेटा, देश बदलना है तो अभी जितनी बातें करनी हो कर लो, बाद में रिमोट से चैनल भी बदलना होगा तो लुगाई कोई पूछना पड़ेगा, नहीं बदलने देगी तुमको वो, फिर बैठ के यही काम करोगे। देखो जोश क्या है, तू पढ़ रहा था, मेरे को लग रहा था पीछे क्या कि ये कहीं इधर नहीं आ जाए, ये इसने 2-3 कदम पीछे खींचे, मैं निकल लिया उधर से। मैंने जोश का कोई भरोसा नहीं ना, क्योंकि क्या अशोक चारण भी, इसने भी 2-3 बार ऐसे आया ये पीछे। मैंने कहा कहीं क्या होता है कलेक्टर साहब, मैं आपको बताऊं, ये जो जोश होता है ना, स्थाई जोश होता है, ये स्थाई जोश है। वीरस के कवि अगर बीमार भी पड़ते हैं तो जोश में ही पड़ते हैं। ये अशोक चरण रात को 2 बजे मुझे लकवा हो गया, तो बीमार भी कैसा पड़ा सत्यन गुरु, और बोल रहा है। हाँ और बोल भी रहा है। हाँ तो लकवा जुबान को थोड़ी हुआ यार, तू साइंस नहीं समझता, ये तुमने विज्ञान नहीं पढ़ा ना, इसीलिए प्रॉब्लम है तुम। विज्ञान नहीं पढ़ा इसलिए ऐसी बातें करते हो, आज आके झंडा फहरा देंगे, ने वो कर देंगे, ने ये कर देंगे, क्यों कर देंगे, क्यों कर देंगे। एक तो ये जो पाकिस्तान के खिलाफ इतनी बातें करते हैं ना, मुझे बहुत इलॉजिकल लगती है। हम वहां जाएंगे ने ये कर देंगे, ना हमारे देश में मिला देंगे, डिनर वहां करेंगे, ना ये करेंगे, ना वो, उनका उधार भी हम चुका हुए। जैसे मरा पड़ा देश है वो, रात को चिल्लाया मुझे लकवा हो गया। बीवी ने लाइट खोली, बोले ध्यान से देख, पजामे के एक पायचे में दोनों टांग फंसा रखी है। आप इस दृश्य को देखिए जॉनी, ऐसा ही लगता है, और उस पे पजामा चूड़ीदार। लकवा क्या आदमी, मतलब जोश में आते हैं। ये बैंक में पैसे, ये शाशो बैंक में, सत्यन जी बैंक में पैसे निकलवाने गया, जोश तो स्थाई होता है ना वीरस वालों का, स्थाई जोश में गया एकदम। इसने पैसे निकलवा ले तो उसने कहा नहीं है अकाउंट, नहीं है पैसे, नहीं है, और तुम भैया को उधार। स्थाई जोश, पैसे तो पैसे नहीं, और तुम भैया को उधार। अरे बोले पागल, बैंक में पैसे है, तेरे अकाउंट में नहीं है। बहुत अच्छे, क्या करोगे आप। शबीना जी तुम मुझे बेवफा कह देना, मैं मर जाऊंगी। हम मर्द जातियों का भरोसा मत करना, हम बहुत 2 कौड़ी के लोग होते हैं। हम जुल्फ की तारीफ में सारी रात गीत गा देते हैं, सुबह दाल में बाल आ जाए मुंह पे खींच के मार देते हैं हम। बहुत अच्छे, मैं सही बता रहा हूं, हम मर्द होते ही हाँ भर रहा है जोनी, बिल्कुल सही हो। मेरा बहुत प्रिय छोटा भाई है, आज इसने पूरी भरपूर ऊर्जा, इसके शुरुआत के अंदर काफी संग, लेकिन पढ़ता लम्बा बहुत अच्छा पढ़ता है जोनी, तो कमाल का पढ़ता है। तो ये ख्वाही भी अरे थारे आराम से बैठ बेटा, तू जोश में क्यों आ रहा है, देख ये दुष्प्रभाव तुम्हारा। हाँ तू मेरे साथ चलेगा जोश में, तुझे देखे ड्राइवर जोश में नहीं आ जाए, पूरे रास्ते मालूम पड़ा वीर रस में ही गाड़ी चला रहा है। जोश रखो लेकिन आराम से रखो, लॉजिकल बात करो, हमेशा लॉजिकल बात करनी चाहिए। तो अपने लॉजिक वाले बोलते अच्छा, देखो मैं कहता हूँ कोई बड़ी समस्याओं से मैं जूझता ही नहीं, इनकी तरह ये वो करें, ये इतनी बड़ी समस्या है क्यों, ये सरकारी वो कर्मचारियों की बात कर रहा था कि लेट आते हैं वो करते हैं ये, तू भी कलेक्टर साहब निकले जब भी तूने वो कविता पढ़ी। बहुत समझदार आदमी, बहुत समझदार आदमी, ये सब बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है।
मैं आपको बताऊं लोकबंधु जी, मैं इन किन्हीं समस्याओं में नहीं पड़ा, मेरी समस्याएं बहुत छोटी छोटी है, बहुत छोटी छोटी जी। डाइट फूड मेरी समस्या नहीं है, अपनी समस्या वो है ही नहीं, वो समस्या उस चेहरे की है जो आप टेलीविजन पे देखते हैं। हाँ, आपकी निगाह में वो समस्या बड़ी है, वहां मेरा चेहरा है या आत्मा खड़ी है, ये जो मंच है ये मेरी आत्मा। क्या बात है, वाह। मैं जो कुछ बना आज हिंदी कवि सम्मेलनों के मंचों से बना, टेलीविजन आज है कल नहीं रहेगा, ये बहुत अस्थाई है। दुनिया में लोकप्रियता किसी के लिए स्थाई नहीं होती। एक बड़ा खूबसूरत शायर है, उनका शेर याद आता है कि पांव फैलाए अंधेरों को जिया कहते हैं सूरज, लू भी चलती है तो वादे सबा कहते हैं। पांव फैलाए अंधेरों को जिया कहते हैं, लू भी चलती थी तो वादे सबा कहते थे। हाँ याद आया मुझे, क्या बढ़िया शेर, लू भी चलती थी तो वादे सबा कहते थे, पांव फैलाए अंधेरों को जिया कहते थे, आपसे भी पहले बहुत से लोग थे साहब जो खुद को खुदा कहते थे। इसलिए जीवन में स्थाई कुछ नहीं है। सच्चाई ये है, 11 बरस की उम्र में हिंदी कवि सम्मेलन के मंचों पे आया था, 41 बरस हो गए मुझे यहाँ खड़ा हूँ, और जो कुछ बना इस मंच से बना, ये माँ है मेरी, यहाँ खड़ा हूँ इसके लिए मेरा पूरा जीवन है। हिंदी कवि सम्मेलन का मंच, मैं इसके सिवाय मुझे, क्योंकि ये इसी ने मुझे बनाया, ये सब चीज़ें तो आज या कल नहीं रहेगी, जो जिंदा रहेगी वो कविता रहेगी। क्या बात, जो जिंदा रहेगी वो बात रहेगी। कभी भी अस्थाई लोकप्रियता जिंदा नहीं रहती है, जिंदा हमेशा वही बात रहती है जो सच्ची हो, जो अच्छी हो, जो स्थाई हो। हाँ बेटा आ जा, तू बैठ जा, तू अब बैठ जा, बैठ जा। तो मेरी समस्याओं की बात कर रहा था मैं। हाँ, समस्या मेरी बहुत छोटी छोटी है, जैसे पानी वाला सुन नहीं रहा है। अच्छा, आप जिनको पीना है वो भी शर्म के मारे नहीं ले रहे, तो शैलेश जी ने देख लिया तो कुछ कह देंगे। नहीं, निकल जा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। पानी अगर लाओ तो सबके लिए लाओ। व्यवस्थाएं कभी भी दो पंक्तियों के लिए नहीं होनी चाहिए। मैं आपका ही आदमी हूं, क्योंकि मैंने कहा मैं मारवाड़ का बेटा हूं, मेरी समस्याएं बहुत दूसरी है। तो तू कितना ऐसा बैठ गया जो उठावड़े में बैठा हो, ऐसी शक्ल बना, नहीं तो तेरे तो बातें इतनी अश्लील करता है। आज इतनी संस्कृत सुना रहा था, मैंने कहा पता नहीं क्या कहेगा। मैं एक बार चेन्नई एक प्रोग्राम में गया तो बाकी सब तो ठीक है, एक आए, मैं उस दिन संचालन कर रहा था, पहले करता था आज से 21 साल पहले, अब तो छोड़ क्या दिया, भूल ही गया मैं तो, अब कैसे होता है। जब करता था उस जमाने में, सत्यन जी एक आए, बोले साहब एक कवि संस्कृत किया, तो मैंने कहा क्या करना है, तो बोले आपको उसका हिंदी में अनुवाद करके सुनाना है। मैंने कहा सामने वालों को संस्कृत आती है क्या, बोले नहीं आती। मैंने कहा फिर कर देंगे, फिर क्या दिक्कत है, जरूर कर देंगे। आया, उसने पहला वाक्य बोला स्त्री से चरित्र से पुरुष से भाग्यम। मैंने तुरंत अनुवाद किया, मैंने कहा स्त्री का चरित्र देख के पुरुष भाग गया। दूसरी पंक्ति बोली देवो ने जानी कुतो मनुष्य। मैंने कहा जिसको देवता नहीं जान पाया उसको कुत्ता खाक जाने का। अरे बोले ये कैसा अनुवाद हो रहा है। मैंने कहा अपने तो ऐसा ही हुआ भाई, अपन मारवाड़ में पढ़े, वहां हमको ऐसे ही पढ़ाते थे, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, और मैं इसका अनुवाद करता था तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तुम सो जाओ माँ, मैं ज्योति के पास जाके आ रहा हूँ। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, गमय 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 तो गमय, नहीं तो नहीं गमय। तो ये आनंद का काम है, ये अपनी समस्या है। दिनेश भाई आपकी फटी जेब से गिर गया दिन, हमारे तो फटी जेब से भी कुछ नहीं गिर सकता। मारवाड़ी आदमी की जेब से गिर जाए ऐसी जेब पैदा नहीं हुई दुनिया के अंदर। आप मेरे पिताजी से कभी नहीं मिले, उनकी जेब का कमाल मैं बताता हूं आपको। क्लास में मुझे टीचर, मेरे पिताजी बहुत पिताजी किस्म के पिताजी हैं। इतने, अरे मैं शबीना जी बता रहा हूँ, इतना जेब से मुझे याद आया, इतने जबरदस्त पिताजी हैं। सत्यन जी के क्लास में टीचर आए, मुझे गणित पढ़ा रहे थे, मैं खड़ा हो गया, अरे तू रख दे मेरे भाई मोबाइल जेब में यार, ना तो खुद देख रहा है ना मजे ले रहा है ना कुछ कर रहा है, बैठ जाना। आनंद से लेके बैठ गए, सारा देश ने एक तो काचा पादाम दुखी कर रखा है यहाँ पे।
ले देखे काचा बादाम, कमाल कर रहे हो यार। पिताजी की जेब की बात याद है, क्लास में टीचर मुझे मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे, बोले खड़ा हो जाओ, मैं खड़ा हो गया। बोले तुम्हारे पिताजी की एक जेब में 100 रुपए है, दूसरी जेब में 150 रुपए। मैथमेटिक्स में पढ़ाते ना अपने, उदाहरण देके ललित भाई साहब, वो तीन बिंदु बना देते, माना कि हमारे पास, फिर नीचे तीन बिंदु उल्टे, चूंकि पहले सीधे तीन बिंदु फिर उल्टे तीन बिंदु, समझ भी नहीं आया तीन बिंदु जीवन में काम ही क्या आ रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद गुणनखंड पढ़ाया, गुणनखंड जीवन में काम नहीं आया मेरे, 2 × 2 ब्रैकेट में होल स्क्वायर इक्वल टू 4 आज तक काम नहीं आया मेरे। ये पढ़ाया क्यों मेरे को, बल्ले ही नहीं पड़ा, नहीं मालूम, पर जीवन में नहीं काम आया मेरे। इटली की राजधानी रोम में तो मैं क्या करूं यार, होगी मेरे क्या लेना देना, मेरे को जिंदगी में नहीं जाना वहां। तब मैं कह रहा हूँ, पढ़ा रहे थे टीचर मैथमेटिक्स, बोले खड़े हो जाओ, मैं खड़ा हो गया। बोले तुम्हारे पिताजी की पैंट की एक जेब में 100 रुपए है, दूसरी जेब में 150 रुपए है, इसका क्या मतलब? मैंने कहा पैंट किसी और की है। मैं जानता हूँ मेरे बाप की पैंट में क्या हो सकता है, क्या हो सकता है भाई, क्या हो सकता है मतलब क्या हो सकता है? अश्लील आदमी, ये मेरा बाप की पैंट है, तेरे पिताजी की धोती नहीं है, मुझे मालूम है क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, कंघा हो सकता है, हिसाब के कागज हो सकता है, कुछ भी चीज तेरी तरह थोड़ी है, क्या हो सकता है, अश्लील आदमी एक नंबर। मेरे को बोला भाई साहब, मुझे मेरी पड़ोसन ने मुझे नहाते हुए देख लिया, तो मैंने कहा तू क्या चाहता है? बोले बदला। एक नंबर का अश्लील आदमी, मेरे पिताजी की पैंट की बात कर रहा है तू। तो बोले पिताजी की पैंट की एक जेब में 100 रुपए, दूसरी जेब में 150 रुपए, इसका क्या मतलब? मैंने कहा पैंट किसी और की है। बोले नहीं, गणित पढ़ा रहा हूं पिताजी, 100 इधर से दे दे, 150 इधर से दे दे, इसका क्या मतलब? मैंने कहा बाप किसी और की। अठन्नी नहीं दे, मेरे बाप है, अद्भुत बाप है। आप तो ललित जी तो बहुत अच्छे से जानते हैं, तो इनके पिताजी के दोस्त थे जयशंभू साहब, उनके दोस्त दोनों बहुत बचपन के खास मित्र रहे, ललित भाई साहब मेरे बड़े भाई की तरह हैं। इनका छोटा भाई विक्रांत गटकू, वो मेरा दोस्त रहा बचपन में, मैं सही बता रहा हूँ, उसके साथ में एक बार अमचूर कूट रहा था बालोतरा में, एक सच्ची घटना, आप प्लीज घर बारे, मेरे मामा जी 1 रुपया देके गए थे मेरे को, मैंने अमचूर खरीदी, मैंने और गटकू ने कूट रहे थे, ये बिल्कुल कभी समय की घटना, याद आ गई आपको देख के, पिताजी याद आए तो घटना याद आ गई, मैं तो उनसे पूछ नहीं पाया, आप जरूर पूछना कभी मिलो तो। मैं सीधा साधा अमचूर कूट रहा था, मैंने कहा शक्कर में मिला के खाऊंगा, कटोरी आती है ना वो, मैं और गटकू दोनों हम कूट रहे थे, मेरे पिताजी उधर से निकले, उन्होंने मुझे देखा, आवाज लगाई, मैं गया पीछे, घर का ताला लगा हुआ था, चाबी खुद ने दी, ताला खोल, ताला मैंने खोलते ही दिया एक। मेरे यहां से आज तक समझ में मेरे को नहीं आया, आपको मिले जरूर पूछना, उनका दुख क्या अमचूर था या जिस जगह बैठ के कूट रहा था वो था, या मेरे मामा जी ने 1 रुपए दिए मैंने उनको नहीं दिए इसलिए कूटा। मतलब कूट देते थे कभी, मेरे पिताजी अठन्नी नहीं थे, भाई भिखारी आया, उन्होंने कहा आपके पड़ोसी मिला मेरे पिताजी से, बोले आपके पड़ोसी ने बहुत कुछ खिलाया, आप कुछ दीजिए, इन्होंने आजमोला दी। जब वहां से, अरे यार बंद कर दे भाई मेरे, करेगा क्या, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारे पास जवाब है इस चीज का? पूरी दुनिया इस दौड़ में दौड़ रही, किसी के पास जवाब नहीं है कि इसका करेंगे क्या, हद हो गई है यार। फेसबुक और व्हाट्सएप नहीं हुए, बच्चे का डायपर हो गया घर, 5 मिनट में चेक करना जरूरी है, कमाल ही हो गया यार ये तो, क्या बात, अद्भुत। तब मेरी लाइन रह जाइए कि सहजता थी, सादगी थी, बंदगी थी, ये व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं थे ना तब, जिंदगी थी। वाह वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर, क्या बात, वाह वाह, नहीं गुरु जी जीवन खत्म कर दिया इसने, वाह, हर मतलब करोगे क्या आप यार, चलो ठीक है जरूरी है जीवन में, जहां तक जरूरी है उसके लिए जरूरी है, पर ये झूठ बोलने वाली मशीन है एक तो। मैं आपको बहुत ऑब्जर्वेशन की बात बताता हूँ, जिंदगी में आपको ऑब्जर्वेशन कोई नहीं बताएगा, कोई अचानक कोई आदमी मोबाइल फोन पे बात कर रहा हो और उसका स्वर मीठा हो जाए, हेलो, अचानक शबीना जी सीधे सीधे बात कर दे हेलो, तो समझ लो सामने स्त्री है जो उसकी नहीं है। ये सच है, ये बिल्कुल सही है सत्यन जी, बाकी अपनी औरत से आदमी ऐसे बात करे सवाल ही नहीं, ये ऑब्जर्वेशन आपको जिंदगी में कोई नहीं बताएगा। अपनी औरत से जॉनी जब आदमी बात करता है तो पूरा वाक्य बोलता ही नहीं, एक ही शब्द बोलता है वो भी दो दो बार, हेलो हेलो
हाँ हाँ दुकान माते दुकान माते खा लियो फोन रख फोन रख भाई वाह शैलेश क्या बात। अब समझ में आया कि पैसे क्यों लेता हूं। कह रहा था खुद लेते हमको नहीं दिलाते। समझ में आया तुमको? क्या बात है क्या बात। दूसरों की कमाई से जलने वाले इंसान, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का अजगर, अजगर करे ना चाकरी, संजय करे ना काम। इसको आज काम दो, तीन दिन बाद करता है। मैं इसको बता, इसको ये तो मिला मेरे पिताजी से। दो घटनाएं लेटेस्ट हुई, एक तो पुरानी और एक कल ही हुई है। पुरानी हुई, आया मेरे पिताजी के पास, पहली बार आया ये। चूंकि कवि सम्मेलन के मंचों पे सत्तन जी ने से बताया, 41 साल से मैं कविताएं कर रहा हूँ, तो बड़ा प्यार करते हैं, इज्जत और सम्मान करते हैं, तो प्यार से आचार्य कहते हैं। तो आया कि सब आचार्य से मिलना आया हूँ, संजय झाला देश का बहुत बड़ा कवि हूँ। तो पिताजी, तो मेरे पिताजी बोले एक कुर्सी ले और बैठ जा। तो इसको लगा शायद सुना नहीं है, बोले साहब मैं बहुत बड़ा देश का संचालक कवि, तो दो कुर्सी ले बैठ जा। ऐसा क्या है? और कल लेटेस्ट जब ये बाड़मेर आने वाला था विश्नोई जी, तो ये रुका मेरे पिताजी के पास। वो उनको अभी किडनी फेल हो गई है दोनों, तो तकलीफ में, हर चौथे दिन डायलिसिस करना, लेकिन हास्य खत्म नहीं हुआ है उनका। ये आया बैठा, ये भी उनको चूंकि पिताजी बोलता है सारे प्यार से, सारे वही करते हैं। पिताजी मैं आपको बताता हूँ, हुआ यूं कि एक जगह वाल्मीकि रामायण में लिखा और संस्कृत से 4-5 श्लोक जो है इसने टिकाए, जो भी। मेरे पिताजी ने काफी देर तो सुना, हास्य खत्म नहीं हुआ अभी भी। फिर बोले देख भाई संजय, मैं यूं भी बहुत तकलीफ है। सही बात। ये कल की घटना है। सही बात, ये कल की घटना है। तो जीवन में हास्य बना देने चाहिए शबीना जी। और ये हास्य हमारे मारवाड़ियों से ज्यादा कोई नहीं समझता, हमसे ज्यादा कौन समझेगा मुझे बताओ। हम तो अद्भुत लोग हैं, हमारे जैसा कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। मारवाड़ का आदमी दुनिया में, मैं जिंदगी में जहां जाता हूं छाती ठोक के, साहब आपने शैलेश उड़ा को बना दिया और न जाने क्या जैसा ये कहते हैं, मैं तो अपने आप को वही सामान्य इंसान पाता हूं, इस जोधपुर का बेटा, इस मारवाड़ की धरती का बेटा। अब मैं ये कहता हूं, मैं जहां जाता हूं दुनिया में, जिस देश में जाता हूं, सीना तान के कहता हूं कि हां मैं मारवाड़ी हूं। मैं इसलिए कहता हूं कि एक आदमी को आप मारवाड़ से बाहर निकाल सकते हैं, आदमी के भीतर से मारवाड़ बाहर नहीं निकाल सकते, हमारे भीतर है। वो हमारे भीतर वो जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि हमारा कमाल है साहब। मैं जितने लोग यहाँ बैठे हैं, खासतौर पे जो महिलाएं यहाँ बैठी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा बाड़मेर में इस बड़ी संख्या में इतने लोग आए आज, कितने आपका लोग बंधु साहब कमाल कर दिया आज आपने, इतनी भीड़ यहाँ पे जो इकट्ठी की है, अद्भुत है ये कार्यक्रम। मैं बहुत बढ़िया, मैं मुझे लग रहा था, मैं आने के पहले थोड़ा सा जरूर आई वाज स्केप्टिकल, मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या कार्यक्रम, लेकिन रात के मेरे ख्याल से 1 बज रहा होगा अभी इस वक्त, डेढ़ बज रहा एक आदमी उठ के नहीं गया, और इस मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, मतलब मैं आपको सलाम कर रहा हूँ साहब, क्या अद्भुत बात है। इतने लोग, ये कमाल है आप लोगों का, यकीन मानिए। तो हमारे जो जितनी, हाँ कहीं भी हो, हाँ आपके मित्र है, नहीं अगली बार बोले तो तर बोल दे, तर नहीं बोल दे, मित्र है। ये उच्चारण का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आपके मित्र है, हमारे मित्र है, पीछे मेरा चित्र है, मैंने लगाया इत्र है, तू बैठा कितर है, पाँव में तेरे छित्तर है ना, ठीक है। तो ये यही कमाल है अशोक, अपने पास है क्या, यही कमाल है। तू टांगो क्या कर रहा, नीचे बैठ आराम से, सोफा मिलते ही ऐसे हो गया बस। छोटा भाई है, बहुत प्यार करता है। जितने लोग यहाँ बैठे, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, इस चीज को आप मेरा आंदोलन समझ लीजिए, मैं हर जगह कहता हूँ। देखिए आजकल ये जो दौर चला है ना, अंग्रेजी इंग्लिश है ना, अंग्रेजी नहीं आया तो मतलब समझने में कुछ आता ही नहीं, मतलब अंग्रेजी आना इतना जरूरी नहीं है, आप समझिए। आप मैं क्या करूँ, इस देश की भाषाएं बहुत श्रेष्ठ हैं सब, तमाम भाषाएं उठा ली आपने, बहुत मेरे को सब कैमरे नजर आते हैं, इसको घुमा दे, नहीं वो दो ही बंद कटे हुई क्या, मन ध्यान है, घुमा दो थाने तरफ, घुमा दो, मैं गेलो हूँ एड़ो थाने लागे, इसको बंद करो प्लीज, क्योंकि आपके पास नोटिस आएगा, मेरा तो कुछ नहीं, जिसका भी पेज होगा उसके पास नोटिस आ जाएगा, दो दिन में तुरंत स्ट्राइक हो जाएगा, वो 10 मिनट में स्ट्राइक हो जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा तूने बता दिया स्ट्राइक, मेरे को तो वर्ड भी पता नहीं था, अपने तो स्ट्राइक कॉलेज में ही की थी बस,
जो मैं कहना चाहता हूँ समझिए, दुनिया में इतनी श्रेष्ठ भाषा, हिंदुस्तान की कोई भाषा हो, आप महाराष्ट्र में रहते मराठी, इतना अच्छा साहित्य रचा गया, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, सब भाषाएं सिखाइए, भाषाएं सीखना ये योग्यता की बात है, काबिलियत है, सीखा जाना चाहिए। जो मैं कह रहा हूँ, जो आजकल की माएँ हैं ना अपने बच्चों को, ओनली इंग्लिश, अरे बेचारे को आपने आतंक मचा रखा है बच्चे को, ओनली इंग्लिश, नो ओनली टू बिस्किट बेटा, वन इज हैंड में भाषा कही हैंड में ओनली इंग्लिश। आप समझिए, आप हर भाषा सिखाइए। जो मैं कहना चाह रहा हूं, मैं संस्कृति बचाने के अभियान में आपके साथ एक बात कहना चाहता हूं, जिस बात से जुड़िए और कहिए, आप दुनिया की हर भाषा सिखाइए, हिंदी हमारी अपनी भाषा है, बोलते हैं, बड़ी श्रेष्ठतम भाषा है, अंग्रेजी वो वैसे ही बोल लेंगे स्कूलों में, वो बोलेंगे ही, उनको बोलना पड़ेगा स्कूलों के अंदर, वो सीख जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, तरक्की के लिए आने, उन्हें दुनिया की हर भाषा सिखाइए, लेकिन मारवाड़ी भूलने मत दीजिए। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या बात, वाह, क्योंकि भाषा समाप्त होती है तो संस्कृति समाप्त हो जाती है, भाषा को समाप्त मत होने दीजिए। आप मेरी इस पीड़ा को समझना, जो मैं अगली बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम आपको कितना समझ में आएगा। गांव में कोई एक बुजुर्ग का देहावसान होता है तो एक व्यक्ति कम नहीं होता, एक धोती कम हो जाती है। वाह, फिर कोई दूसरा धोती पहनने वाला नहीं बचता, एक भाषा बोलने वाला नहीं बचता। क्या बात, वाह, तो संस्कृति समाप्त हो जाती है। और हमारी भाषा का सौंदर्य तो अपना है, हम तो कहने की भी जरूरत नहीं, बगैर कहे कुछ कह देते हैं गुरु जी, बगैर कहे कुछ कह देते हैं। शबीना जी, आप प्रेम के गीत और दिनेश प्रेम के गीत पढ़ रहे थे, तो मौसम है बारूदी और वो दिया सलाई है, मारवाड़ी आदमी पहली बात तो प्रेम करे तो लिखे क्यों, करे, ये करने की चीज है, लिखने की चीज थोड़ी है, इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी होता है, करे। और हम तो प्रेम का गीत ऐसे पढ़ते, दिनेश भाई सुनना, बगैर कुछ कहे पूरा श्रृंगार का प्रेम का गीत खत्म, हमारे प्रेम का आप निवेदन देखो, किसी को बहुत खूबसूरत दिखे अशोक तो हम पूरा गीत करते ही नहीं, बिना कुछ बोले। इससे बढ़िया कोई हो सकता है, कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं, ये हमारी भाषा का सौंदर्य, अद्भुत भाषा है हमारी, हमारी भाषा का सौंदर्य मैं आपको बताता हूँ, सुनता संजय मजा आ जाएगा, अशोक दिनेश भाई सुनना, हमारी भाषा का सौंदर्य, हमारे एक तो क्या आजकल किसी का पेट बाहर निकला हुआ ना, था उसको कह दो तेरा पेट बाहर निकला हुआ है, मारवाड़ का सौंदर्य मैं आपको बताता हूँ, आप किसी महानगर वाले व्यक्ति को कहो कि भाई साहब आपका पेट बाहर आ गया, नहीं कहा, तुरंत अंदर खींच लेगा, इतना कॉन्शियस होता है, नहीं सवाल ही नहीं, बिल्कुल नहीं, फर्स्ट क्लास, कोई और मध्यम वर्ग नगर का उसको को तेरा पेट बाहर आ गया, यार थोड़ा आजकल खाने में ज्यादा हो गया, थोड़ा कम करूंगा, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, हाँ मारवाड़ी को बोलो तेरा पेट बाहर गया, थारे बाप रो खाए हो गई। ये हमारा सौंदर्य, तारके लेने ना, पेट मारो, हाँ सही बात है, मारवाड़ में सबसे कोई किसी का यहाँ पे दोस्त होता ही नहीं, दोस्त नहीं होता, वो हमारो चेलो है। इधर दोस्त नहीं होता, था चेलो, अपने चेलो है, छर्रा में इधर चेला ही है, पट्ठो ज्यादा हूँ ज्यादा आर भाई। और यहाँ खुद की गलती से कभी किसी का एक्सीडेंट नहीं होता, खुद की गलती कभी होती नहीं, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, ओ माय नान घुस गयो। माय नान की कर घुस गयो रे भाई। और खुद का पेट्रोल कभी कोई खर्च नहीं करता, सवाल है, ए मोटरसाइकिल दे तो उत्तर लाई जाना हो। अब वो लाई क्या उत्तर दे। वाह बहुत अच्छा, लेकिन मजा इस बात का है, मोटरसाइकिल मांगने का मजा नहीं है, वापस आके क्या कहेगा, ये देखा गाड़ी काम मांगे। ये हमारा काम है, ये जॉनी आया मेरे पास, मैंने कहा पूरी दुनिया में तूने माँ का दूध सुना होगा, तू मारवाड़ा, तुझे बाप का दूध दिखाता हूँ। और मैंने बताया, मैं जोधपुर में ले गया, वहाँ एक दुकान है दूध मंदिर, मैंने कहा दो गिलास दूध पी और बगैर पैसे देके भाग जा, वो बगैर पैसे देके भागने लगा पीछे से, थारा बाप रो दूध है।
ये हमारी भाषा का सौंदर्य है। क्या बात। और इस भाषा में आप बच्चों के ऊपर पिले पड़े अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी, मेरी बात को नोट करके ले जाना, इंग्लिश लैंग्वेज है, नॉलेज नहीं है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं बताता हूँ, यहाँ के आपके जो तमाम, मैं उनको प्रणाम करना चाहता हूँ, जितने लोक कलाकार हैं, जितने हमारे लंगा बंधु मांगनियार बंधु, जितने लोक कलाकार यहाँ पे हैं बाड़मेर और जैसलमेर की धरती पे, अंग्रेजी भले ही न बोल पाए, उनके पासपोर्ट इतने भरे हुए, दुनिया का कोई एक देश ऐसा नहीं होगा जहाँ जाके उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन नहीं किया होगा। क्या बात, उनकी आवाज़ सुनो आप, उनकी आवाज़ का कमाल देखो आप, अद्भुत, क्या अद्भुत धरती है साहब, क्या कला बख्शी गई है यहाँ पे। मैं तो इनका बहुत बड़ा फैन हूँ साहब, कमाल लोग हैं, इनको सुन के ऐसा लगता है कि आप एक अलग लोक में पहुंच जाते हैं। और दुनिया में तरक्की के लिए अंग्रेजी की जरूरत नहीं होती, वो लैंग्वेज है, नॉलेज नहीं है। और फिर हमारी ये औरतें आजकल, हेलो बेबी, कहाँ हो बेबी, खाना खा लिया बेबी, अरे पति है तेरा बेबी, फिर गोदी ले रहे गुल्लू 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 गुल्लू। और फिर वो 88 किलो का बेबी पेट निकाल के बाहर आ, मैंने कहा इसका आगे एलिफेंट भी लिख दे, पर आजकल तो नया हो गया बाबू, मेरे बाबू ने खाना खा लिया। अगले को पता ही नहीं कि प्रेमी बेचारा कब क्लर्क हो गया साला, बाबू नाश्ता किया, क्या बोल रहा है, नाश्ता किया कि नहीं, बोल नाश्ता, अच्छा पचौरी साहब तो है नहीं, तेरे को नाश्ता कौन कराएगा, कहाँ निकल गए वो पचौरी साहब, इंतजाम करके नहीं है, कहाँ है, अब देखो किसी को नहीं पता है कहाँ, यही है। और ये कहने वाले वही है जो सरकार के उच्चतम अधिकारी हैं, जिले के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी, अब समझ में आ गया मैं काम कैसे होता है, यही है। ये ठीक वैसा ही जवाब है जो हिंदुस्तान की हर औलाद अपने बाप को देता है, कहाँ जा रहा है, अभी आ रहा हूं, हमने आज तक नहीं बताया हम कहां जा रहे हैं, कहां जा रहा है, अभी आ रहा, क्यों बैठा यूं ही, कब आएगा, थोड़ी देर में, अब थोड़ी देर कुछ नहीं पता, ये हमारे जवाब है, हम सवाल भी ऐसे करते हैं, जवाब भी ऐसे देते हैं, हमारा कोई पता ही नहीं चलता हम बोल क्या रहे, हमें मालूम ही नहीं पता। आप देखना कभी, ये मैं एक बार गया इसके संजय के, इसके दो बेटे हैं, तो बड़ा वाला है तो इशू नहीं, छोटा वाला इशू, बड़ा वाला तो क्या है, शानू, हाँ ये तो इसके इसके घर की घटना मैं आपको बताऊं, सच्ची घटना आप सुनना, थोड़े दिन पहले ये सच्ची घटना है, मतलब ये पत्नियों पे बहुत बोल रहा था कि पत्नी की आवाज़ चुप हो जाए ना, ये हो जाए ना, पूरी खा लिया, शर्म कर थोड़ी, पत्नियों की इज्जत किया करो, मेरी टिप्पणी समझ में आ जाएगी तो आपको मजा आएगा, इसलिए इज्जत करा करो कि वो औरत जो एक साड़ी खरीदने के लिए पूरी दुकान बिखेर देती है, तुम्हें पसंद किया है उसे। आवाज बंद हो जाए, हरकतें भी तो ऐसी करता है, टीवी पे दो दिन पहले वो कुछ अमीना टंडन, वो टिप टिप बरसा पानी चल रहा था गाना, ये भाई यूं आंख गड़ा के बैठा छाया, ये सच्ची घटना है सत्यन गुरु, सच्ची घटना, ये हरकतें ऐसी करता है, बैठा वो हिल ही नहीं रहा, वो खिचड़ी लेके आई इसका खाना, 3-4 मिनट खड़ी रही, इसे ही खा लो, ये सच्ची घटना बता रहा हूं, और निकल गई। तो मैं अपनी भाषा के सौंदर्य की बात कर रहा था, यही कर रहा था, हमारी भाषा का सौंदर्य अद्भुत है यार, जो हमारे बातों में वजन है वो कहीं हो ही नहीं सकता, मुझे आप बताओ एक्सीडेंट में मजा है क्या जो बचीड़ में आता है, यही हमारा शब्द, और बचीड़ और बड़ी और दम, मैं दी उन्हें देख, इसमें देह में जो हाथ जो पीछे जाता है, ये हमारी भाषा का हो सकता है, इसका शर्ट का रंग क्या, पीला, पीला नहीं पीड़ो, मेरे पैंट का रंग क्या है, नीला, कालो, ये होता है पीड़ो पट, कालो कट, लाल झक, और खारो जेर, ये देखो जब तक ये सौंदर्य बोल रहे नहीं हो भाषा का कैसे मजा है, हाँ ये भाषा का सौंदर्य बहुत है, ये तो अद्भुत है, कमाल है ये हमारी भाषा का, हमारे यहाँ तो आदमी भिखारी भी ऐसी बात करता है, जोधपुर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बाहर एक भिखारी खड़ा हुआ था, तो कमिश्नर, आपकी तो वाइफ IRS है, वो समझती है टैक्स का काम कैसे होता है, तो एक कमिश्नर अंदर बैठा हुआ था, उसने भिखारी देख कर कह दिया, उसको कहा भिखारी खड़ा हुआ है टैक्स डिपार्टमेंट का, चला जा तेरा यह काम नहीं है,
बोले रिटर्न भी नहीं भरूं। बात मजे की आगे है। अरे बोले भिखारी होकर रिटर्न भरता है? बोले नहीं, रिटर्न भरियो जी को भिखारी बन गयो। ये हमारी स्थिति है। पौने दो हो गए तो बंद करें हम और क्या। अरे यार हमारा जितने का तय था वो तो आधे घंटे पहले ही हो गया। रिस्क कौन ले? अभी ये कहां से याद आया यार, ये कौन था रिस्क कौन ले वाला? आप भाई साहब मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूं। क्या नाम है आपका? बोरा साहब, निश्चित तौर पे एक कवि के लिए आप, मैं अभिभूत हूं। आप समझना मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं। ये मंच के मेरे मित्र समझेंगे, सत्यन जी तो रिस्क कौन ले पता है उनको। इसलिए मैं कहना चाहता हूं एक कवि के लिए उससे बड़ी कोई ताकत हो नहीं सकती। 30 साल पहले रिस्क कौन ले में पढ़ता था, पिछले 30 साल में तो मैंने नहीं पढ़ा होगा कहीं। मैं न्यूनतम बता रहा हूं 30 वर्ष, और तुम्हारे किसी को सुनी हुई भी नहीं हो। 30 वर्ष पहले की कविता किसी को याद हो, एक हिंदी कवि के लिए इससे बड़ी कोई चीज हो नहीं सकती। क्या बात, ये मोहब्बत, ये प्यार। और मैं कविता बाड़मेर में भी लगभग 91 में मैंने कविता पढ़ी थी बाड़मेर में, और आज 2022 हो गया। देखो पेमेंट इकट्ठा करने में 30 साल लगा दिए। कोई बात नहीं, लेकिन इस बार आया हूँ, यह आनंद की बात है। चलिए एक कविता मैं उस विषय की सुनाना चाहता हूँ जो विवेक और अशोक का विषय है, जो सत्यन जी का विषय है, और बहुत अर्थों में जॉनी का भी विषय है। जॉनी लोगों को हास्य कवि लगता है लेकिन हास्य का कवि नहीं है, उसके भीतर जो राष्ट्र की चेतना है वो बिल्कुल अलग है, अद्भुत है। इन लोगों का विषय है, उस विषय से मैं कविता उठाता हूँ और सुनाता हूँ आपको। ये कविता नई है, मुझे पूरी तरह याद नहीं है, लेकिन इस कविता को सुनाना आवश्यक है। इसलिए सुना रहा हूँ, अगर मैं इस वीर प्रसूता भूमि पे नहीं सुनाऊंगा तो कहाँ सुनाऊंगा, यहाँ सुनाया जाना आवश्यक है। वाह, क्या मैं आपको क्या क्या मुझसे सुनना है वो तो जो कहेंगे सुना दूंगा, लेकिन क्या सुनाया जाना चाहिए वो मैं आपको सुना रहा हूँ। ये कविता पुलवामा अटैक की अशोक ने बात की, और राजस्थान का बेटा होने के नाते मेरा फर्ज है कि कविता राजस्थान की धरती पर पढ़ी जाए, इसलिए पढ़ता हूँ। इस कविता की भूमिका क्या है, राजस्थान के प्रमुख अखबार के संपादक जी का फोन आया मेरे पास, और मुझे कहा कि शैलेश जी, घटना हुई है झुंझुनू में और हम चाहते हैं कि इस विषय पे आप कविता लिखें। वो आज हम मुख्य पृष्ठ पे इस घटना के साथ देना चाहते हैं कि ऐसा हुआ। मैं उसको क्या लिखता, घटना सुने आप। पुलवामा अटैक में झुंझुनू के हमारे एक सैनिक शहीद हो गए, श्योराम उनका नाम था। श्योराम शहीद होते हैं, श्योराम शहीद हो जाते हैं, उनकी पत्नी सुनीता उस वक्त 9 माह की गर्भवती होती है। आप सुने, 9 माह की गर्भवती पत्नी सुनीता, ये इसी देश में हो सकता है वीरांगना। 9 माह की गर्भवती पत्नी जब श्योराम की अस्थियों का कलश आता है तो वो अस्पताल से बाहर उस अस्थि कलश को कांधा देने के लिए आती है। ये सिर्फ इसी देश में हो सकता है, आप सोचें ये राजस्थान की धरती में हो सकता है। क्या बात, वाह वाह वाह। तो राजस्थान की धरती में ये हो सकता है। तब मैंने एक कविता लिखी कि जब एक 9 माह की गर्भवती अपने पति की, एक शहीद की अस्थि कलश को कांधा देने के लिए चली आए, वो क्षण ये राजस्थान की माटी कोई नसीब है। तब मैं सिर्फ एक पंक्ति इस कविता की भूमिका में कहता हूँ, विषय अशोक का, विषय सत्यन जी का, विषय विवेक का, विषय जॉनी का, लेकिन मैं एक पंक्ति की कविता कहता हूँ सिर्फ, इससे बेहतर कुछ कह नहीं सकता इस धरती पे। मैं बहुत बड़ी बात नहीं करता, लेकिन एक सैनिक का शव जब लौट कर आता है, आपकी धरती तो ये वो वीरों की धरती है, और यही वो धरती है बाड़मेर और जैसलमेर। इस पूरे देश को जब ये लगा कि कौन सी धरती परमाणु बम के विस्फोट सह सकती है, तो ये बाड़मेर और जैसलमेर की धरती थी। पोखरण में, वाह वाह वाह, पोखरण में वो विस्फोट हुआ, ये वो वीरों की धरती है सा। तब मैं वो कहता हूं कि जिस दिन तू शहीद हुआ, मेरे नाम की एक पंक्ति ले जाइएगा, शैलेश लोढ़ा जिस तरह आपको हंसा सकता है, लेकिन शैलेश लोढ़ा जो कवि है वो ये है जो भीतर से बाहर आता है। जिस दिन तू शहीद हुआ, न जाने किस तरह तेरी मां सोई होगी, मैं तो बस इतना जानू वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई हो। वाह 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 वाह, क्या बहुत सुंदर, क्या बात। तब आप इस कविता की भूमिका समझें, श्योराम शहीद हो जाते हैं, सुनीता उनकी पत्नी अस्थि कलश को कांधा देने आती है। तब मैंने कहां से बात शुरू की है, सत्यन जी आप सुनना, इस विषय पे मैं नया क्या लिख सकता था। तब मैं जो नया लिखता हूं वो कहना, एक किलकारी बोली नियति से, किलकारी
जब बच्चा पैदा होता है तो किलकारी का स्वर होता है, लेकिन वो बच्चा जो पैदा हुआ ही नहीं, बात कहां से हो रही है? कि एक किलकारी बोली नियति से कि मत भीगने दो नयन को, एक किलकारी बोली नियति से कि आंसू मत बहाओ, मत भीगने दो नयन को, वेदना और करुणा का भाव मत लाओ, कहना चाहता हूं वतन को, एक किलकारी बोली नियति से कि आंसू मत बहाओ, न भीगने दो नयन को, वेदना और करुणा का भाव मत लाओ, कहना चाहता हूं वतन को, मैंने अब तक आंखें नहीं खोली है, माँ पिता के संबोधन की भाषा नहीं बोली है, मैंने मैंने अब तक किलकारी बोली है, किलकारी बोली नियति से कि आंसू मत बहाओ, ना भीगने दो नयन को, वेदना और करुणा का भाव मत लाओ, कहना चाहता हूं वतन को, मैंने अब तक आंखें नहीं खोली है, माँ और पिता के संबोधन की भाषा नहीं बोली है, लहू का रंग क्या होता है ये मैंने जाना नहीं है, लहू का रंग क्या होता है ये जिसने दुनिया देखी ही नहीं, लहू का रंग क्या होता है ये मैंने जाना नहीं है, लेकिन व्यथित हूं मैं ये मैंने माना नहीं है, लेकिन व्यथित हूं मैं ये मैंने माना नहीं है, अरे मुझसे ज्यादा गौरवशाली कौन है दिखाओ तो, मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कौन है बताओ तो, मैं हूं उस पिता की संतान जिसने पीठ नहीं दिखाई है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं हूं उस पिता की संतान जिसने पीठ नहीं दिखाई है, जिसने शत्रु पर गोलियां बरसाई है, जिसके मन में शत्रु संहार के अंगारे दहकते रहे, जिसके नेत्र में, जिसके मन में, मैं हूं उस पिता की संतान जिसने पीठ नहीं दिखाई है, जिसने शत्रु पर गोलियां बरसाई है, जो सीना तान के राष्ट्र के लिए खड़ा रहा, जो तिरंगे की आन हेतु अड़ा रहा, जिसके नेत्र ज्वाला से धधकते रहे, मन में शत्रु संघार के अंगारे दहकते रहे, जिसने कसम खाई हिंदुस्तान की और जान न बख्शी आतंकी कामरान की, वो अमृतत्व की वेदी है न कि उनकी चिता है, गर्व है मुझे कि शहीद मेरे पिता है। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अद्भुत है, वाह। गर्व है मुझे कि शहीद मेरे पिता है। और मां, मां तुम तो सीमा पर नहीं गई, मां तुम तो सीमा पर नहीं गई, पर तुम कितनी महान हो गई, तुम न रही पूरा हिंदुस्तान हो गई, अरे भीग गई जब वतन की करोड़ों पलके, ए वीरता की प्रतिमूर्ति तुम्हारे आंसू न छलके, वीरता विश्वास की गाथा आज चेतना में समाई, जब पिता का अस्थि कलश उठाने तुम स्वयं चले आई, अरे जिस देश पर मिटने को मेरे पिता की जवानी खड़ी हो, जहां पे मेरी माँ की तरह शक्ति की कहानी बड़ी हो, तब ये न समझना कि मैं किसी शोक में हूं, गर्व है मां कि मैं तुम्हारी कोख में हूं। वाह 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 वाह, क्या बात, बहुत सुंदर, वाह 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 वाह। तब ये न समझना कि मैं किसी शोक में हूं, गर्व है मां कि मैं तुम्हारी कोख में हूं, तुम्हारी गर्व है कि मुझे, तुम्हारी हिम्मतों का खून मुझ में है, पिता का देशभक्ति का जुनून मुझ में है, राष्ट्रभक्ति का जुनून मुझ में है, मां का साहस, पिता का बलिदान मुझ में है, ये पूरा हिंदुस्तान मुझ में है, हां हां, सुनीता और शिवराम मुझ में है। क्या बात, सुनीता, क्या बात, और शिवराम मुझ में है, सुनीता। ये कविता मैंने इसलिए सुनाई कि सुनाई जानी चाहिए, ये कविता आवश्यक कविता है, अगर इस धरती पे नहीं होगी तो कहाँ होगी, बहुत आवश्यक। लेकिन कविताएं सिर्फ तालियां बजाने का विषय नहीं है, कविता जीवन में उतारने का विषय है। जितने बुजुर्ग यहाँ बैठ के हंस रहे हैं, मैं इससे बेहतर कुछ उनके लिए कह नहीं सकता। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपको हंसते हुए, आपके चेहरों पर मुस्कुराहट बांटते हुए देखता हूँ, तो मेरी पंक्ति याद आती है कि छत नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती, दीवारों दर नहीं रहता, घर में बुजुर्ग ना हो तो घर घर नहीं रहता। इसलिए ये जो लोग हैं, बहुत सुंदर, वाह वाह, इनका सम्मान कीजिए और आप मस्त रहिए, बहुत आराम से रहिए, बिल्कुल। आप तो क्योंकि इतने हजारों लोग एक साथ सुन रहे हैं, मैं इनकी तरह तो हूं नहीं, बार बार कहूंगा ताली बजाओ, नहीं, सवाल ही नहीं, इनकी आदत खराब है, नहीं नहीं सवाल ही नहीं, मस्त रहो आप तो, आपको क्योंकि देखिए क्या है, जो अपने आप इतनी क्योंकि इसकी आदत खराब है। संजय झाला की शादी हुई, पहली रात को बीवी के कमरे में गया, घूंघट उठाया और प्रेम की 3-4 कविताएं सुनाई, वो थोड़ा शर्मा ही बोले, शर्मा मां ताली बजा। आदत खराब है, इसकी आदत एक जमाने की बताता हूं मैं आपको, इसकी आदत ऐसी थी, प्राण जाए पर मोजा न जाए, कई कई दिन तक मोजा इसका त्वचा बन गया था, उतारता ही नहीं था। सत्यन जी 2 किलोमीटर दूर से पता चलता था कि संजय आ रहा है। मोजा ही मोजा। ये अपना मजा है, ये आनंद है, शब्द का खेल यही है, मोजे आ रहा था, कहीं से भी आ जाए तो देख बुराया, बोले यार आज भाई साहब, यार शैलेश भाई, यार आज मेरे को भूख, अपने हॉस्टल में रहता था तब, ये तो यार आज अब हॉस्टल में खाना नहीं बनाया, कहीं खाना खाने आप इंजाम करो। मैंने कहा देख भाई, शाम को शादी में जा रहा हूँ, वहाँ मेरे साथ चला चलना, पर शर्त ये मोजे बदल के आएगा। तो बोले मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने कहा दिलाऊंगा, मैंने नए मोजे दिलवाए साहब, ये शादी में टाइम पे पहुंच गया, मैं भी पहुंचा, मैंने प्लेट उठाई, वही मोजे
मैंने कहा तेरे को सुबह नए दिलवाए थे ना? हाँ ये रे नए पहने हुए। तो मैंने कहा ये बदबू कहां से आ रही है? बोले वो ये रे। आदत खराब है, आदत इतनी खराब है इन लोगों की। इसका एक जमाने का था, ये जब स्कूल में था पढ़ता तो क्या था अपने होता ना निबंध लिखिए, इसके निबंध का एक ही विषय होता था, कोई विषय दे दो लिखता भैंस पर ही था विषय, कोई लिखना भैंस पर। एक इसकी प्रिय चार पंक्तियां थी, भैंस काले रंग की होती है, भैंस की चार टांगे होती है, भैंस हमें दूध देती है, भैंस बहुत उपजाऊ प्राणी है। इसका सदैव भैंसों में इंटरेस्ट रहा है। तो वे एक नए टीचर आए, इन्होंने एक नया विषय दिया, बोले आज लिख के बता। इन्होंने विषय दिया कुतुब मीनार। अब अगले ने लिखना शुरू किया, शबीना जी आदत इसकी, इसने लिखना शुरू किया। अब कैसे लिखा? कुतुब मीनार दिल्ली में, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाए, कुतुब मीनार के सामने एक तबेला है, तबेले में एक भैंस है, भैंस काले रंग की होती। आदत खराब है, इस आदत का क्या करेगा चांद? और क्या करेगा चांद? नहीं कुछ नहीं कर सकती, कोई कुछ कर ही नहीं सकता, आदतें होती है ना ऐसी। जैसे मैं बताता, मेरे पिताजी की आदत ही नहीं कि पैसे खर्च करें। रात को उन्होंने एक डॉक्टर का फोन किया, आप सुनना जॉनी, डॉक्टर को फोन किया कि साहब आपको किसी को दिखाना है तो क्या लेते हो? बोले घर पे आता हूँ तो पाँच, रात को दो बजे। हाँ रात को दो बजे फोन करके पूछ रहे हैं कि कोई बीमार हो जाए तो क्या लेते हो? बोले क्लिनिक पे मिलता हूँ तो 50 रुपये और घर पे आता हूँ तो 500 रुपये। बोले पहुंचो क्लिनिक पे, आ रहा हूँ। रेट तो तुमने बताइए ना। रात को 3 बजे उन्होंने किया है, मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ। रात को 3 बजे डॉक्टर के घर गए, 3 बजे हैं कहीं से आ रहे थे, साहब कोई घर पे बीमार है, चलो देखो देखना क्या फीस है आपकी। उस वक्त डॉक्टर की 300 रुपये दिखे, 300 रुपये फीस है। चलो साहब, डॉक्टर ने गाड़ी निकाली, बिठाया, बोले कहाँ चलना है? मेरे पिताजी बैठ गए पास में, घर आया, घर रोका, बोले कहाँ है मरीज? बोले कोई मरीज नहीं है, टैक्सी वाला 600 मांग रहा था। ये हम जानते हैं, मारवाड़ी आदमी टाइमिंग के एक्सपर्ट, हम ऐसा नहीं है कि हम कब क्या करना चाहिए हमें पता है। मेरी इस टिप्पणी बहुत मशहूर टिप्पणी हुई, आप समझना कि हम ऐसा क्यों करते हैं। हम लोग टाइमिंग के एक्सपर्ट, हम टाइम पे करना जानते हैं सब कुछ चीज़। हम टाइमिंग के एक्सपर्ट इसलिए हैं कि हम सब लोग चाय में पार्ले जी बिस्किट डुबो के खाने वाले लोग, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टाइमिंग। नरपत सिंह जी 1 सेकेंड जल्दी उठा लो कठोर का कठोर, 1 सेकेंड देरी कर दो ढूंढते रह जाओगे। फिर आदमी जिले का कलेक्टर ही क्यों नहीं हो, ढूंढता जरूर है किधर गया यार ये। ये अद्भुत बात है और यही जीवन में होना चाहिए, इसी की मस्ती है सर। चलिए आपको कार्यक्रम के अंत में 5-7 मिनट और वो 1 घंटे की कविता यार। अच्छा मतलब आप घड़ी मार के नहीं बोनी जी, खिचड़ी। अरे साहब ये कौन सी, मैं भी सोच रहा हूँ। हो सकता है अभी खिचड़ी तो बनानी है, जल्दी बन जाएगी। मैं समझ गया कौन सी बातें कर रहे हैं। मैं देखो सुनाता हूँ साहब, देखो जो मन में आया वो सुना देता हूँ। हाँ आप बोरा साहब, और रिस्क कौन ले, मुझे याद भी नहीं, मैं खुद ही भूल गया साहब। इतने वर्षों में बहुत सारी चीज़ें भूल गया, लेकिन आपकी मोहब्बतें इतनी है साहब, आप जिस तरह से कविताएं याद रखते हैं और इतने सालों बाद याद रखते हैं। मैं उस स्कूल के मैदान में आया था शायद, तब वो होता था स्कूल का हाई स्कूल, हाँ वो होता था डॉक्टर माहेश्वरी के मकान के पीछे, वो जो रहते थे मुझे याद है अभी भी। किसके साथ? संतोष आनंद जी के साथ आए थे जी। हाँ वो मतलब होंगे, हम सारे ही लोग होंगे, वो हमारे बड़े मन संचालन मैंने किया था जी, तब मैं करता था, अब बहुत पैसे लेता हूँ उसके। ठीक है अब इन्हीं को शौक रह गया है नहीं इसकी। ये तो तेरी शक्ल देखता हूँ मैं घूम के, और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब तू क्या आदमी क्या है यार, मतलब तो चीज ही अलग टाइप की है तू यार, बहुत बहुत अद्भुत व्यक्तित्व है। इसको देखते ही मुझे मतलब ख्याल, हाँ बेटा हाँ पूछो। हाँ उनको ये नहीं मालूम होगा कि कवि का मतलब क्या होता है। अच्छा बड़े लोग हैं उन सबको मालूम है कि कवि सम्मेलन में है। यार अब उनको बता रहे हो, तेरे पापा कहाँ बैठे पहले तो ये बता।
किधर खड़ा कर, कहाँ बैठो पिताजी इनके? ये बैठ जाओ, अब भाई साहब खड़े ही नहीं हो रहे थे, उठ बैठा नेट क्यों भेज दियो भाई? ठीक है ना, चलो सवाल कर बेटा जल्दी, कभी उन बच्चों को नहीं मालूम होता है ना बेटा। हाँ बाप को शक्ल देखने जी 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 बिल्कुल। सुनो बेटा मैं बात सुनता हूँ, अब तुम भी और तुम्हारे तमाम बच्चे जिंदगी में उन लोगों को अपना आराध्य मत बनाओ जो टेलीविजन पे दिखते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो टेलीविजन पे देखते हैं वो बहुत अस्थाई होता है। बच्चों पढ़ाई कर लो, टेलीविजन कम देखो। ये चार चार बार बड़े शान से कहते हैं हमारा बेटा पांच पांच बार देखता है, तो क्यों देखता है? एक बार दिखाओ केबल कटवा दो, एक बार देखो टेलीविजन, क्योंकि इसने बिगाड़ के रख दिया हम सबको। इस टेलीविजन ने हम परिवार के सदस्य एक जगह बैठते थे अलग अलग कमरों में बैठने लगे हैं। आप, मैं फिर कहना चाहता हूं अपना आराध्य, अपना जितने माँ बाप यहाँ बैठे अपना आराध्य, अपना हीरो उन लोगों को मत बनाओ जो टेलीविजन के आप फिल्मी पर्दे पे दिखते हैं। इन्हें कहानी सुनानी है तो भगत सिंह की सुनाओ, इन्हें कहानी सुनानी है तो सुखदेव और राजगुरु की सुनाओ, इन्हें कहानी सुनानी है तो विवेकानंद की सुनाओ। वाह वाह वाह। कौन मैं? शैलेश लोढ़ा इसलिए याद नहीं किया जाएगा कि वो टेलीविजन पे आता है, शैलेश लोढ़ा इसलिए याद किया जाएगा कि उसने वो कविताएं लिखी जो लोगों को 30-30 साल बाद भी याद है। याद किया जाएगा तो कलम की वजह से याद किया जाएगा, याद किया जाएगा तो हिंदी की ताकत की वजह से याद किया जाएगा, याद किया जाएगा तो शब्द की और अलंकार की वजह से याद किया जाएगा। अस्थाई चीजें दुनिया में आती है चली जाती है, इसे याद रखना मेरी इस बात को। मैं जो कुछ हूं हिंदी कविता की वजह से, और इसलिए हूं क्योंकि मंच सच बोलता है और इस मंच को सच बोला जाना चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि बच्चे किसी भी लिए आए हो, आए हो इस कार्यक्रम में आए, और आप जब घर लौटेंगे तो उनके पास एक नया ज्ञान होगा कविता क्या होती है, अगली बार कविता सुनने जरूर आए। इस तरह से हम कविता के बीज बोके जा रहे हैं। वाह, ये हिंदी कविता के लिए और मुशायरों के लिए बहुत बड़ी चीज है। और ये मंच सच बोलता है, जिस दिन इस मंच ने सच बोलना बंद कर दिया तो कोई सच नहीं बोलेगा। और हमारे देश में सच बोलना इसलिए ज्यादा जरूरी है, साहब कमाल का देश है ये अद्भुत देश है। इस देश में अमेरिका के किसी एयरपोर्ट पे आप यकीन मानिए हमारे बड़े स्टार हैं शाहरुख खान साहब, उनको रोक दिया गया था, तो इस देश के मंत्रियों ने बयान पे बयान दर्ज करने शुरू कर दिए कि उन्हें रोक दिया गया। और वो कलाम साहब जिन्होंने जुल्फ के एक झटके से परमाणु बम का निर्माण कर दिया, उन्हें इसी दिल्ली एयरपोर्ट पे रोका गया। तब हमारे देश के नेताओं के कानों पे जू नहीं रहेंगी, तब कहना चाहता हूं कि सच बोला जाना चाहिए। वाह क्या बात, कमाल का देश है साहब। यहां हीरोइन के बच्चों के लिए फोटोग्राफर पीछे घूमते रहते हैं, ये यहां गया ये वहां गया, इसने हाथ हिलाया इसने वो किया, वो बच्चा जिसे ये भी पता नहीं है कि क्या हो रहा है, उसकी क्या गलती है? उसकी तो कोई गलती नहीं है। जहां हीरोइन की शादी इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि 5-5 घंटे मीडिया खड़ा रहता है, लेकिन वो तुकाराम जिसने बंदूक की नाल पकड़ के कसाब को जिंदा पकड़ लिया, जब उसके परिवार का हाल न पूछा जाए तब सच बोलने की आवश्यकता है। वाह क्या बात। और ये सच बोला जाना चाहिए, क्यों ना बोला जाएगा इस देश में, इसी देश में सच बोला जाना चाहिए। हम अखबारों में विज्ञापन पढ़ते हैं कार का लोन 10% में, 8% में, 9-0% में कार का लोन जब इस देश में मिलता हो और एजुकेशन लोन के लिए 13% देने पड़ते हो, तब सच बोला जाना चाहिए। क्या बात, वाह, तब सच बोला जाना चाहिए। कमाल का देश है साहब। और हम लोग भी वही लोग हैं जो भाषण सुन के तालियां बजा देते हैं, हम वो लोग हैं जो चाय की दुकान पे बैठ के अखबार पढ़ते हैं, उसमें कोई खबर आती है और हम कहते हैं कि ये जो बाल मजदूरी कराते हैं इन लोगों को तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए, ये छोटू 3 चाय ला। क्या बात। तब मुझे पंडित गोविंद व्यास, ललित भाई साहब वही गोविंद व्यास 1982 फालना, ललित भाई साहब उस बात के साक्षी हैं साहब। मैं दो घटनाएं सुनाना चाहता हूं, यह घटना मंच पे किसी ने नहीं सुनी। 1982 का कवि सम्मेलन, और कोई गलती नहीं गोविंद जी की, इसलिए कोई गलती नहीं कि इतना छोटा बच्चा, मैं 10-12 साल का हिंदी कविता पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा बहुत सहज बात कही, अगर इसने खुद ने लिखी है तो बहुत अच्छी लिखी है, पर किसी की भी लिखी हुई सुनाइए तो बढ़िया। और यह सहज बात, तब राजस्थान के हमारे मथानिया के कवि होते थे रेवतदान जी चारण, वो खड़े हुए और रेवतदान जी ने कहा कि गोविंद जी क्षमा करना, आपकी बात बहुत सहज है लेकिन ये राजस्थान की धरती है, यहाँ का बच्चा जो होता है ना वो अपनी बात कहता है, अपनी बात बोलता है, ये अपनी बात बोलने वालों की धरती है। तो हम लोग वो लोग हैं जो भाषणों में तालियां बजा देते हैं लेकिन हम खुद भी सुधरते नहीं है, ये छोटू 3-4 ला वाले लोग हैं हम लोग। तब पंडित गोविंद व्यास जी की बात मुझे याद आती है, उनकी कमाल की पंक्ति है कि फुर्सत तो मुझे भी थी बहुत देश के लिए, जब पेट भर गया तो मुझे नींद आ गई। क्या बात, वाह वाह वाह।
और हम लोग वो हैं यहाँ, आपको मालूम है आपके बाड़ में, आप तो नए आए हो लोग, जो बहुत साल पहले जब पहली बार ये सीट बेल्ट का कानून आया था तब अभियान चला था कि इसको कैसे किया जाए, इसको प्रोत्साहित कैसे किया जाए। तो यहाँ पे जो एक अभियान रखा था प्रशासन ने कि भाई जो सीट बेल्ट लगा के मिलेगा उसको इनाम विनाम दो थोड़ा, तो उसको लगे कि प्रोत्साहित होंगे इसी से लोग, नहीं तो बाकी तो कहने से कोई लगाते नहीं, यहाँ पर बेल्ट का ही नहीं लगा, सीट का क्या लगा। तो सुबह ही सुबह मिल गया कांस्टेबल को एक, अरे सीट बेल्ट लगा, अरे साहब क्या बात है, पहला अभियान आपका कमाल हो गया साहब, आपको 500 रुपये इनाम दिया जाता, पहले तो बात तो पुलिस वाला पैसे दे रहा है, यही आश्चर्य की बात। तो किस बात के लिए सीट बेल्ट लगाया हुआ सुबह से पहले व्यक्ति आप मिलो, इसलिए आप 500 रुपये आपको इनाम है, बहुत बढ़िया, क्या करेंगे 500 रुपये का, लाइसेंस बनवाऊंगा। ये है हमारा हाल, कुएं में ही भांग पड़ी हुई, हम सुधर ही नहीं सकते, हमारा जीवन का उद्देश्य है। लेकिन चलिए, ये बिटिया यहां आई थी इसलिए मैं कविता सुनाता हूं, एक कविता मैं इस बेटी के नाम करता हूं और यहां जितनी बेटियां बैठी हैं उनके नाम कविता करके जाना चाहता हूं। ये कविता बरसों बाद मैं सुना रहा हूं और मुझे लगता है कि ये सुनाई जानी चाहिए। ये कविता मैंने अपनी बेटी के लिए लिखी थी और मैं आज इस बेटी का नाम, नाम क्या उसे नाम बताया नहीं था, नाम बताया था, जो जितनी बेटियां हैं, भाविशा, बहुत बढ़िया भाविशा बैठो बेटा, मैं इसके नाम करता हूँ, जितनी माएँ यहाँ बैठी हैं उनके नाम करता हूँ, जितने पिता यहाँ बैठे हैं उनके नाम करता हूँ, इस धरती पे मैं इससे बेहतर कुछ सुना नहीं सकता, सुनाने जा रहा हूँ। हम अपनों के साथ जितने, ये बेटियों के लिए नहीं है, पुत्रों के लिए, पुत्रियों के, सबके लिए है, ये कविता मैंने अपनी बेटी के लिए लिखी थी, मुझे कभी नहीं मालूम था मैं इसे मंच पर सुनाऊंगा, बहुत व्यक्तिगत कविता थी, मैंने अपने लिए लिखा था इसे। लेकिन एक बार एक टेलीविजन पर एक शो आता था कॉमेडी का महामुकाबला, जिसमें रवीना टंडन जी, अरशद वारसी जी, श्रेयस तलपड़े, शेखर सुमन, मैं, राजू श्रीवास्तव, सुनील ग्रोवर, हम सब तमाम लोग हुआ करते थे। और एक खास परिस्थिति ऐसी थी, स्टार प्लस पे वो शो आता था, मैंने कहा आज मेरे पास हंसाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास कविता मैं आंसू में सुना रहा हूँ, लेकिन ये टेलीकास्ट तो होगी नहीं क्योंकि ये कविता आंसू से भरी कविता है, लेकिन वो कविता मैंने सुनाई और वो टेलीकास्ट भी हुई और वो सबसे ज़्यादा वायरल होने वाला जब वीडियो बन गया तब मुझे लगा कि कविता मेरी नहीं है, लोगों की कविता। तब मुझे सुना, इस कविता की भूमिका सिर्फ इतनी सी होती है कि जब अपनों के साथ होते हैं तब हम अपनों के साथ होते नहीं हैं। तब मैं सुनाता हूँ, मैं उस बच्ची के पिता को एक बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, मुझे बहुत खुशी हुई 15-20 हज़ार लोगों की भीड़ में एक बच्ची के पास इतना आत्मविश्वास हो कि जिसे वो अपना हीरो मानती हो उससे आके बात करे, वाह। मैं उसके प्यार और स्नेह को नमन करता हूँ, मुझे अपना हीरो मानते आके तारक मेहता के लिए कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ, ये उसकी मोहब्बत है। लेकिन उस माँ बाप को प्रणाम जिन्होंने उसे इतना आत्मविश्वास दिया है कि वो भीड़ में आके भी बात कर सके। अपनी बच्चियों को इतना आत्मविश्वास दीजिए कि वो भीड़ के सामने खड़ी होकर बात कर सके। वाह। जब लोग कहते हैं ना, मेरी इस टिप्पणी को शबीना जी समझना, जब लोग नारे लगाते हैं ना, किसी का विरोध करते हैं, नेताओं के घर चूड़ियां लेके जाते हैं कि चूड़ियां पहन लो फिर, तो तब मैं कहना चाहता हूं बंद करो ये, क्योंकि चूड़ियां औरत के श्रृंगार का विषय है, कमजोरी की निशानी नहीं है। तब डॉक्टर उर्मिलेश का मुझे एक दोहा याद आता है, उर्मिलेश शंकर कहते हैं कि तितली, हिरनी, मोरनी, कोयल, बत्तख, मीन, सृष्टि पिता की बेटियां कितनी शोक हसीन। क्या तब मैं कविता सुनाता हूं। दिनेश भाई आपकी वजह से रंग में, दिनेश मेरे बड़े पुराने मित्र हैं, बहुत पुराने, हिंदी कवि सम्मेलन में हमारी बहुत सारी यात्राएं रही है और तुम तो जो हो वही हो। जैसे हैं वैसे हैं, अब क्या कहें कि कैसे हैं। स्वागत है, स्वागत। क्या स्वागत है रे? अपना ही है। वो ये कह रहे हैं, कहना तो पड़ेगा। हाँ, कहना पड़ेगा। चलना तेरे को मेरे साथ ही है जोधपुर, ध्यान रखना हुक्म। आप एक गाना सुनाना चाहते हो? हाँ, इसके जस्ट बाद अपना म्यूजिक का एक प्रोग्राम है, जैसे ही मैं कविता खत्म करूंगा उसके बाद हारमोनियम इधर आएगा, इससे आगे कितना बढ़ोगे निश्चित तौर पे। आपके यहाँ कब है लोक कलाकारों का कार्यक्रम, कब है? नहीं नहीं, हाँ आप सुनाइएगा, जरूर सुनाएंगे आपको, आपको सुनवाएंगे, आपको पक्का मौका देंगे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अरे नहीं आप बिल्कुल, अरे इसको हाथ पकड़ के नहीं बिठा दो आराम से यार, किसी कलाकार का सम्मान करो यार, बहुत ज़रूरी है। कलाकार अच्छा है बुरा नहीं होता, कलाकार होता है। और कोई व्यक्ति उसके कपड़ों से, उसकी आर्थिक स्थिति से हमें कभी नहीं आंकना चाहिए, उसकी इच्छा है कि उसे सुनाना है, सुनाने दो, जहाँ मिल जाए मौका। आपके यहाँ कोई कलाकार जब भी मौका हो आप सुनाने दीजिए ना, इससे आप किसी व्यक्ति को खुशी के अलावा और दे क्या सकते हैं साहब।
इससे ज्यादा तो कुछ नहीं दे सकते, खुशी दीजिए। जब आपके यहाँ लोक कलाकारों का कार्यक्रम हो तो जरूर सुनवाइएगा, उसमें क्या दिक्कत है। भले ही देखो, अच्छा बुरा तो हर आदमी को लगता है कि मैं गा सकता हूँ, इस देश के अंदर हर आदमी को लगता है कि मैं गा सकता हूँ। सुर की समझ किसी, बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। सब्जी अच्छी बुनी है बुरी बुनी है, किसी करेला आपको खराब लगता है, मुझे पीना पड़ता है, इसमें क्या हुआ? तो ये तो सब्जेक्टिव चीज़ है, किसी को क्या अच्छा लगता है, किसी को क्या अच्छा लगता है। ये देश तो ऐसा है साहब, जो सचिन तेंदुलकर और कोहली के लिए भी आलोचना कर सकता है, तो हम क्या करें साहब? किसी को कुछ अच्छा लगे नहीं लगे वो ही नहीं। मैं, हमारा एक दोस्त आलोचना करने का, देखो और कोहली, देखो कोहली इतना पैसा है, तो पैसा वाला एक एक रन वास्ते भागे कई काम रो। अब आप तरीका देखो लोगों का, तो कुछ भी कह सकते हैं। तब मैं कविता ये सुनाता हूँ, भाविशा यहाँ आई, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था, मैंने अपनी बेटी के नाम ये कविता लिखी थी। इस कविता का विषय समझना, ललित भाई साहब, हुआ यूँ, एक ज़माना ऐसा था, एक डेली टेलीविजन शो करने वालों के पास सब कुछ होता है, वक्त नहीं होता। मैं यहाँ से अभी निकलूँगा, सुबह पहुँचूँगा, बॉम्बे जाऊँगा, कल शाम को 6 बजे से परसों सुबह 6 बजे तक लगातार शूट करूँगा बिना सोए, क्योंकि हमारे लिए आपके पास पहुँचना ज़रूरी है, हमारे पास कोई चारा तो है नहीं, 8:30 बजे हमें आना ही है, तो हम क्या कर सकते हैं? आपको हमने वादा कर रखा है इसलिए आते ही हैं। सब कुछ होता है, वक्त नहीं होता। मैं उस ज़माने में, अब तो वो विदेश में रहती है मेरी बेटियाँ, मैं उस ज़माने में, सर्वजीत तू खड़ा क्यों है, बैठ जा यार, आ जा सामने आ जा, अरे एक सोफा खाली है, आ जा इधर आ जा, अरे तू आ भाई, तू जोरू का भाई है मेरा, सारी खुदाई एक तरफ। अच्छा, ये आके खड़ा भी इसलिए रहा होगा कि मैं देख के इसको बिठा दूँ, बैठ जा। ये मेरे कर्मों के दोष हैं, बैठ जा भाई। तो मैं, सब कुछ था, वक्त नहीं होता था। तो अब वो बहुत साल पहले की बात है, तब लिखी थी, मैं उदयपुर राजस्थान में एक कार्यक्रम करने के लिए आया, और जब कार्यक्रम कर रहा था उसका फोन आया मेरे पास, और अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ती थी तो बब्बू, वो मुझे बब्बू बोलती है, क्योंकि मेरे पिताजी ने मेरा नाम बबलू रखा हुआ है, तो उनके मुँह से उन्होंने पहली बार बबलू सुना, तो वही बब्बू, आप तो जानते भी हैं बबलू, तो वही बब्बू। तो बब्बू वेयर आर यू, आप कहाँ हैं? मैंने कहा मैं उदयपुर में हूँ। तो बोले उदयपुर तो राजस्थान में है। कहाँ? आप जोधपुर आ रहे हो मुझसे मिलने? मैंने कहा नहीं बेटा, नहीं आ पाऊंगा, मैं कमिटेड हूँ, मुझे जाना बहुत ज़रूरी है, मैं लौट रहा हूँ। अब अगला सवाल जो उसने मुझसे किया, मैं हिल गया। मुझसे पूछती है शबीना जी, अंग्रेजी में व्हाट डू यू चार्ज पर डे? मैंने कहा क्या क्या बोल रही है तू? बोले आप एक दिन कहीं कार्यक्रम में जाने का कितना पैसा लेते हैं? मैंने कहा तुम क्यों पूछ रही हो ये बात? नहीं, अगले हफ्ते मेरा स्कूल के अंदर एनुअल फंक्शन है, और मैं उसमें एक पहले एक नाटक में परफॉर्म कर रही हूँ, तो आप देखने आओ तो क्या मैं प्रिंसिपल को बोलूँ कि आपको चीफ गेस्ट की तरह बुलाए, तो आप कितने पैसे लेते हैं मैं उन्हें बताऊँ? यकीन मानिए, मैं उस दिन दुनिया का सबसे गरीब आदमी हो गया। क्या बात, वाह। मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं था, और इस सवाल का जवाब नहीं था तब मुझे लगा कि मुझे कुछ लिखना चाहिए। तब मैंने ये कविता उसके लिए लिखी थी, फिर सारी दुनिया की कविता हो गई। ये कविता मैं आप तमाम उन लोगों के नाम करता हूँ जो यहाँ पे उपस्थित हैं, जितनी माएँ यहाँ बैठी है, जितनी बेटियाँ यहाँ बैठी हैं, जितने भाई यहाँ बैठे हैं, जितने पिता यहाँ बैठे हैं, सबके लिए। और इससे अच्छा वातावरण मुझे मिल नहीं सकता। ये ऐतिहासिक क्षण है लोकबंधु जी, मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग वर्षों से कवि सम्मेलन कर रहे हैं, लेकिन ये ऐतिहासिक क्षण है। रात को 2 बजे सुई गिरे तो आवाज़ हो, और उसमें हिंदी कविता का ऐसा उच्चार हो, यकीन मानिए बाड़मेर वालों, आपने ऐसा दिल जीता है और कमाल किया है, आपको सलाम है, अद्भुत सलाम है। कि क्या लिखूं? वो परियों का रूप होती है। सुने शबीना जी, मंच पे एक बेटी बैठी है और एक माँ भी बैठी है, दोनों को कहता हूँ क्या लिखूं? वो परियों का रूप होती है या कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है? आपकी भावुकता में देख रहा हूँ शबीना जी, आपकी आंखों के जो आपका गीलापन कविता शुरू होने के पहले ही आ गया, यही हिंदी कविता की, यही कविता की और ये शायरी की ताकत है। तब मैं कहता हूँ ये आंसू मेरी जीत है। तब मैं कहता हूँ क्या लिखूं? क्या लिखूं? वो परियों का रूप होती है या कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है? वो होती है उदासी के हर मर्ज की दवा की तरह, या उमस पे शीतल हवा की तरह? वो पहाड़ की चोटी पे सूरज की किरण है, या जिंदगी सही जीने का आचरण है? वो आंगन में फैला उजाला है, या मेरे गुस्से पे लगा ताला? हिंदी कविता में हमेशा कहता हूं हम लोग तो कुछ नहीं है साहब। सत्तन जी आज अस्वस्थ हैं, उम्र भी हो गई है। मैं एक बात इनके दावे और पूरे ऑथेंटिफिकेशन के साथ कहता हूं,
हिंदी कवि सम्मेलन के मंचों पे जितने कवि आते हैं उनको हमेशा कहता हूँ कविता पढ़ी कैसे जाती है, अगर ये सीखना हो तो श्री बालकवि बैरागी और सत्यनारायण सत्तन इन दो से सीखना चाहिए कविता पढ़ी कैसे जाती है। वाह, ये लोग वो व्यक्ति हैं, ये लोग वो व्यक्ति हैं साहब जो सब कुछ घर बार छोड़ के रात को 2 बजे यहाँ बैठे हैं, अभी जाएंगे पूरी रात जाके घर कब पहुँचेंगे, अपने बच्चों से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, दूसरे कार्यक्रमों के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि इनके लिए आप महत्वपूर्ण है, देश महत्वपूर्ण है। तब एक शायर के 2 शेर मुझे याद आते हैं कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हमने हालात से शीशे का वतन मांग लिया, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे, लोग दौलत पे गिरे हमने वतन मांग लिया। वतन है महत्वपूर्ण है, तब कहता हूँ क्या लिखूं, वो परियों का रूप होती है या कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है, वो होती है उदासी के अमर्ज की दवा की तरह या उमस में शीतल हवा की तरह, वो पहाड़ की चोटी पे सूरज की किरण है या जिंदगी सही जीने का आचरण है, वो आंगन में फैला उजाला है या मेरे गुस्से पे लगा ताला है। घर में कोई गुस्से में अगर पिता आए तो माँ सबसे पहले बच्चों को आगे करती है कि गुस्सा शांत हो जाए, वो आंगन में फैला उजाला है या मेरे गुस्से पे लगा ताला है, वो आकाश गंगा जो झिलमिलाती है, वो हंसी की नदी जो सिर्फ खिलखिलाती है, वो ताकत जो छोटे से घर को महल कर दे, वो ताकत जो छोटे से घर को महल कर दे, वो काफिया जो किसी गजल को मुकम्मल कर दे, वो काफिया जो किसी गजल को मुकम्मल कर दे, वो अक्षर जो न हो तो वर्णमाला अधूरी है, वो जो सबसे ज्यादा जरूरी है, ये नहीं लिखूंगा कि वो तो सांस सांस होती है, क्योंकि बेटियां तो सिर्फ एहसास होती है। वाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। वाह, क्योंकि बेटियां तो सिर्फ एहसास होती है, उसकी आंखें न गुड़िया मांगती है न खिलौना। बच्चे हमसे चाहते क्या है, जो हमसे चाहते हैं वो हम देते नहीं, जो हम देते हैं वो हमसे चाहते नहीं। उसकी आंखें न गुड़िया मांगती है न खिलौना, घर कब आओगे बस एक छोटा सा सवाल सलोना। जब आप निकलती होंगी पूछती होंगी घर कब आओगे, घर कब आओगे, बच्चा चाहे कुछ भी घर कब। आप बचपन के दिन याद कीजिए, आप ट्रेन में जाते थे अपने पिता के साथ और मान लो पिताजी पानी लेने के लिए स्टेशन पे उतरे हैं और अचानक ट्रेन चल पड़ी और आपने देखा नहीं तो आप रो रो के आसमान सर पे उठा लेते थे, पिता गए कहाँ। एक ही सवाल, उसकी आंखें ना गुड़िया मांगती है ना खिलौना, घर कब आओगे बस एक छोटा सा सवाल सलोना। जल्दी आऊंगा, हम यही कहते हैं जल्दी आऊंगा जल्दी आऊंगा। अपनी मजबूरी को छुपाते हुए मैं देता हूँ जवाब, तारीख बताओ टाइम बताओ, वो उंगलियों पे करने लगती है हिसाब। हम यही कहते हैं ना जल्दी आऊंगा। अपनी मजबूरी को छुपाते हुए मैं देता हूँ जवाब, तारीख बताओ टाइम बताओ, वो उंगलियों पे नहीं करने लगती है हिसाब। और जब मैं नहीं दे पाता ना सही सही जवाब, वो अपनी आंखों पर रख लेती है किताब। यकीन मानिए रिश्ता क्या है, दुनिया में जो सबसे अच्छा कह सकता हूँ, जो सबसे अच्छा आप सुन सकते हैं, वो इस मंच से कह रहा हूँ। आखिर रिश्ता है क्या, इस रिश्ते को कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती। अगर आपको लगे कि रिश्ते की परिभाषा आपके बेटे ने ठीक दी हो तो मुझे बताना जरूर। वो जो सबसे अच्छा कहने जा रहा हूँ, गुरुजी के रिश्ता है क्या सतन गुरु, तब कहता हूँ रिश्ता है कि आसमान में उड़ती, तारीख बताओ टाइम बताओ, उंगलियों पे करने लगती है हिसाब। और जब नहीं दे पाता सही से जवाब, वो चेहरे पे रख लेती है किताब अपने आंसुओं को छुपाने के लिए, वो चेहरे पे रख लेती है किताब। ये रिश्ता है क्या, एक आसमान में उड़ता हुआ विमान, बहुत ऊंचा विमान, 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता हुआ विमान, विमान में सवार बहुत सारे लोग, इतने सारे लोग, कोई डॉक्टर कोई इंजीनियर कोई टीचर कोई प्रोफेसर, सारे के सारे लोग, विमान में सबसे आगे बैठी हुई एक लड़की, लड़की के हाथ में एक छोटा सा खिलौना, खिलौने से खेलती हुई लड़की, सब लोग वहां बैठे हुए। अचानक विमान हुआ खराब, इतना हुआ खराब कि गिरने लगा विमान, लोगों को लगा कि हम मर जाएंगे, धरती से टकरा जाएंगे, मृत्यु आंखों के आगे तांडव करने लगी। और इस विमान में सारे लोग बैठ के भूल रहे कि मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक इंजीनियर हूं, मैं प्रोफेसर हूं। जब मौत सामने होती है तो आदमी को पद नहीं दिखता, जब मौत सामने होती है तो आदमी को प्रभाव नहीं दिखता, जब मौत सामने होती है आदमी को पैसा नहीं दिखता, जब मौत सामने होती है आदमी को अधिकार नहीं दिखता, जब मौत सामने होती है तो आंसू नजर आते हैं, रोने लगे सब लोग कि हम मर जाएंगे। न भूल गए कि मैं डॉक्टर हूं, भगवान बचा ले, जिंदगी में कोई गलती नहीं करेंगे, रिश्ता होता क्या था बताता हूं, जिंदगी में कोई गलती नहीं करेंगे। लेकिन वो लड़की जो आगे बैठी हुई थी वो खेल रही थी और बाकी सब लोग रो रहे थे। अचानक भगवान ने सुन ली, मौसम संयत हुआ, ठीक हुआ, लोगों की जान में जान आई, लोगों को लगा कि अब कुछ नहीं होगा, बच जाएंगे। और तब एक व्यक्ति उस बच्ची के पास गया और कहने लगा, बेटा तुम्हें नजर तो आता है ना? बोले हां मुझे नजर आता है। तो बेटा तुम्हें नजर आ रहा था सब कुछ? हाँ नजर आ रहा था। कि तुम्हें पता नहीं कि हम मर रहे थे, हम रो रहे थे और तुम चुपचाप बैठी थी, तुम्हें दिखता है? बोले हाँ अंकल सब कुछ दिखता है। तो तुम्हें सुनाई देता है? बोले हाँ सब कुछ सुनाई, जो प्राण पंक्ति है वो सौंप रहा हूं। और इसके बाद अगर आपको लगे तो मुझे बताना कि तुम्हें सब कुछ सुनाई देता है? कहाँ सुनाई देता है। बेटा हम रो रहे थे मर रहे थे, तुम्हें डर नहीं लगा? बोले नहीं अंकल मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि इस प्लेन के जो पायलट है ना वो मेरे पापा हैं। हाय हाय वाह 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 क्या बात है क्या बात है।
और मैं जानती हूं कि मेरा पिता मुझे मौत के मुंह में नहीं ले जा सकता। उसकी आंखें ना गुड़िया मांगती है ना खिलौना। घर कब आओगे, छोटा सा सवाल सलोना। जल्दी आऊंगा, अपनी मजबूरी को छुपाते हुए देता हूं जवाब। तारीख बताओ, टाइम बताओ, वो उंगलियों पर करने लगती है हिसाब। और जब मैं नहीं दे पाता ना सही सही जवाब, अपने आंसुओं को छुपाने के लिए वो चेहरे पर रख लेती है किताब। वो मुझसे ऑस्ट्रेलिया में छुट्टियां, मर्सिडीज कार की ड्राइव, फाइव स्टार होटल में खाने या नए नए आईफोन नहीं मांगती। ये तमाम वो चीजें जो पैसे खरीद के दे सकते हैं, लेकिन जो दे सकते हैं नहीं देते वो सुनना। वो ऑस्ट्रेलिया में छुट्टियां, मर्सिडीज ड्राइव, कार की ड्राइव, फाइव स्टार होटल में खाने, नए नए आईफोन नहीं मांगती, न कि बहुत सारे पैसे वो अपने गुल्लक में उंडेलना चाहती है। वो बस कुछ देर मेरे साथ खेलना चाहती है। क्या बात, वाह वाह शैलेश, वो बस क्या बात, कुछ देर मेरे साथ खेलना चाहती है। और मैं वही बेटा, काम है, बहुत जरूरी काम है, नहीं जाऊंगा तो कैसे चलेगा, जैसे दुनियादारी के जवाब देने लगता हूं और झूठे झूठे हिसाब देने लगता हूं। वो झूठा ही सही ये समझाती है, जैसे सब कुछ समझ गई हो, लेकिन वो आंखें बंद करके रोती है। सपने में खेलते हुए मेरे साथ सोती है। जिंदगी ने जाने क्यों इतनी उलझ जाती है। और हम समझते हैं कि बेटियां सब समझ जाती हैं। हम समझते क्या बात हैं कि बेटियां सब समझ जाती हैं। मित्रों जरा जोरदार तालियां उठें एक बार, और मैं विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कवि समाज की ओर से कि 10 वर्ष बाद में आदरणीय कलेक्टर साहब, आपने, लोक बंधु जी ने, विष्णोई जी ने हमारे